हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज जैन आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूँ। जनरल के स्टूडेंट के लिए आज श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने बहुत ही बढ़िया घोषणा की है। जो आयु सीमा उन्होंने घोषणा की थी 35 से 40 वर्ष की जाएगी, उसको आज से लागू कर दिया जाएगा। वो 40 वर्ष की आयु सीमा का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस खबर को देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं कि आप नौकरी में आयु सीमा 40 वर्ष करने का आदेश आज से लागू। विधानसभा में विधेयक पारित करने के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री ने इस कार्यकाल के लिए पेश किए गए अंतिम बजट में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 1.25 घंटे तक की रिप्लाई में हर वर्ग और हर विधानसभा क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे को निजी वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिया है। साथ ही सहकारी बैंक से अल्पकालीन लोन लेने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का एक बार का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है। सरकार ने बजट घोषणा में लघु सीमांत 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों का कर्जा ही माफ करने की घोषणा की थी, जिसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस दायरे में 28 लाख किसान आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर में नौकरी में आयु सीमा 35 से 40 वर्ष करने की घोषणा की गई थी, इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया जाएगा। हे मेरे दोस्तों, यह बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप सबके लिए। हम जनरल के भाई स्टूडेंट इस न्यूज़ का बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे। इसका नोटिफिकेशन आज लागू कर दिया जाएगा, इसलिए सभी से उम्मीद है। और एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है आपके लिए, नगर पालिका क्षेत्रों में 21,140 रिक्त पदों में सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। और सभी सिम्बा को जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस पेट्रोलियम यूनिट गठित की जाएगी। और 1600 अधिक पदे पर घोषणा की जाएगी। पुलिस बेडे में सीनियर में 75% अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जिन भाइयों बहनों ने 12th कक्षा में 75% और 75% से अधिक अंक प्राप्त करें, उनको स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। और आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार की घोषणाएं जो उन्होंने लागू करी हैं। और मैं आपको ले चलता हूं आप एक रिक्तियां, और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिक्तियां हैं वो देखो, रेलवे ने ग्रुप डी के कुल 62,902 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। और आप देख सकते हैं कि अजमेर रेलवे बोर्ड में 4755 पदों पर भर्ती है। रेलवे बोर्ड ने 62,097 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड में कुल 4755 पदों पर भर्ती की जाएगी। सर्वाधिक रिक्तियां चंडीगढ़ रेलवे भर्ती बोर्ड में 7832 पद हैं। आरक्षित वर्गीय अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रमाण पत्र बनाकर सुरक्षित रख लेने चाहिए। अब अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख 31 मार्च बढ़ा दी गई है। दोस्तों, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है और यह भर्ती कुल 28 प्रकार के पदों को भरने के लिए होगी। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। अब भारत में स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 10वीं के साथ ही NCVT से मान्यता प्राप्त बोर्ड से ITI डिप्लोमा अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।